हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। मैं बनाने जा रही हूँ पिंडी छोले। तो मैं ये छोले सुबह बनाऊँगी, तो अभी मैं इसको रात भर के लिए भिगो के रखूँगी। तो ये मैं दो कटोरी चने लिए मैंने, दो कटोरी चने, इनको अच्छे से वॉश करके और फिर मैं बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने चनों को अच्छी तरह से धो लिया है, वॉश कर लिया है। तो अब मैं इसमें डालूंगी चाय पत्ती का पानी। ये देखिए, मैंने इसमें चाय पत्ती का पानी डाल दिया और साथ में डाल दिए दो तेज पत्ते। अब मैं इनको रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी, फिर सुबह बनाएंगे इनको। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। देखिए, मैंने रात को ये चने भिगो के रखे थे और सुबह मैंने इनको दो सीटियां लगवा ली हैं। दो सीटियां लगवाने के बाद देखिए, चने एकदम से बिल्कुल ये गल गए हैं। ठीक है, जब तक ये चने ठंडे हो रहे हैं तब तक हम इनके गार्निशिंग के लिए, ये देखिए मैंने अदरक के ये जो काट लिया है पतला पतला और साथ में हरी मिर्च। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, पैन में मैंने थोड़ा तेल गरम कर लिया है। अब इसमें मैं ये अदरक डाल दूँगी, इसको अदरक को थोड़ा फ्राई कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अदरक ऑलमोस्ट हमारी फ्राई हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए, जैसे अदरक हमने करा है ऐसे ही एक बार इसमें डाल के हल्का सा इसको कर लेंगे हरी मिर्च को। बस ये जरा थोड़ा ध्यान से करिएगा, इसके चीटे करके मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया इसकी गैस की। बस अब इसको निकाल लेंगे और हरी मिर्च हमारी तैयार होगी। मैंने इसमें ऑयल निकाल के इसी में डाल दिया। अब इसमें थोड़ा सा डालेंगे ये चना मसाला डाला मैंने, और थोड़ा सा इसमें चाट मसाला डाल के ये हमारा रेडी हो गया गार्निशिंग के लिए। चलिए मिक्स कर लेते हैं। ओके जी, ये देखिए चने हमारे अब ठंडे हो चुके हैं। अब हम इनको इसमें डालेंगे चना मसाला। तो ये दो कटोरी हमारे चने थे, तो मैं दो तीन चम्मच इसमें चना मसाला डाल रही हूँ। ठीक है, नमक स्वादानुसार। और बस अब इसको मिक्स कर लेंगे। इसको 5-7 मिनट के लिए ऐसे ही रखा रहने देंगे, उसके बाद फिर बनाते हैं इनको। ये देखिए फ्रेंड्स, चने हमारे मसाला लग के रेडी हैं। ठीक है, अब आप चाहें तो ये पूरे भी बना सकते हैं, या मैं तो इनको रख देती हूँ और जब भी खाने की डिमांड आती है तो मैं उस हिसाब से इनको बनाती हूँ। तो अब देखिए, मैं तो देसी घी में बनाती हूँ, आप चाहो तो कोई भी यूज़ कर सकते हो, ऑयल कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो। तो देखिए, मैंने इसमें देसी घी डाला है और जितने चने खाने हैं उतने ही इसमें। और ये मैं लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ। तेज गैस पे अच्छे से इसको एक
देखिए ऐसे मसाला लगा के रखा रहने देंगे, जब भी खाना है थोड़ा सा घी डाला कढ़ाई में और तो गर्मा गर्म उसी टाइम बना लो। ये देखिए फ्रेंड्स, छोले हमारे रेडी हैं, गर्मा गर्म पूड़ी के साथ हम सर्व करेंगे इसको। ये देखिए फ्रेंड्स, गर्मा गर्म छोले बन के रेडी हैं, मैंने इसके साथ पूड़ी बनाई है, और आप इसको पूड़ी के साथ चाहे भटूरे के साथ, जैसे भी आपकी चॉइस है, कैसे भी आप इसको खाना चाहें। एक चीज़ आप देखिए, मैंने इसमें बहुत ही कम मसाले वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करा है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो है खाना जितना सिंपल रहे उतना अच्छा है। बस इसमें मैंने चना मसाला और नमक के अलावा और कुछ नहीं डाला, बाकी घी तो है ही, मसालों में सिर्फ चना मसाला है और नमक बस। थैंक यू, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।